हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत केरला। मैं एक एक्टर और रेडियो प्रेजेंटर हूँ। संवाद 365 ने जो मुहिम चलाई है कोरोना के विरुद्ध, जिसका नाम दिया है इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना, और उसी मुहिम के तहत मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से COVID-19 कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपने ऊपर जकड़ा हुआ है, और जो जंग कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे विश्व में चली हुई है, उसमें जो हिंदुस्तान है, भारत है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा के रूप में सामने आ रहा है। और इसका जो कारण है, वो कारण है हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस फोर्सेस, सफाई कर्मी, और साथ में एनजीओज और साथ में समाज सेवक, जो दिन रात एक किए हुए हैं, अपनी जान की परवाह ना किए हुए फ्रंट लाइन लर्नर्स की तरह वो बिल्कुल आगे बढ़कर इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, उन सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, वो लोग भी हैं जो इस वक्त लॉकडाउन में अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आपको लॉकडाउन का पालन करना है, और उसमें बिल्कुल वो तत्परता के साथ, संयम के साथ अपने स्थान पर रुके हुए हैं, और तमाम परेशानी को झेलते हुए भी उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि आपने कोरोना के वायरस को आगे फैलने नहीं देना है। अपने स्थान पर वो लोग रुके हुए हैं, उनको परेशानी हो रही है, उन लोगों को बहुत बहुत सलाम। और जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं पूरी, जिसे कहते हैं, शिद्दत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे हम कोरोना को भगा पाएंगे, उन लोगों को भी बहुत बड़ा सलाम। और एक बहुत बड़ी बात इस वक्त हमें आपसे कहनी है, जो आप बार बार भी सुन रहे होंगे, कि जिस तरीके से अफवाहों का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, फेक न्यूज़ की बात करें, या किसी भी और हैंडल पर जिस तरह की आप न्यूज़ सुन रहे हैं, और जब तक आप उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं जानते हैं, उसकी प्रामाणिकता नहीं जानते हैं, तब तक हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस न्यूज़ को आगे मत फैलाइए, अफवाहों से बचिए, किसी भी तरीके से अपने आप को कोरोना से बचाइए, और ऐसी कोई खबर जब आपके पास आती है तो उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। और जी हाँ, इस वक्त कवि परमानंद की जो मुझे कविता की याद आ रही है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। नमस्कार, मैं खुशाल सिंह बिष्ट संवाद 365 के माध्यम से आप सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में हमें अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, एनजीओ और समाज सेवियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप और हम सबको अफवाहों से बचकर रहना है, और किसी भी अफवाह और गलत जानकारी को फैलने से रोकना है। इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण जगह जगह पर फंसे लोगों को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ, जो इस विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस वायरस से डटकर मुकाबला करें और इसे हराकर आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।